भगवान श्री राम ने लंका के राजा रावण से युद्ध लड़ा और उसे पराजित करके असत्य पर सत्य की जीत का संदेश दिया। रावण को महाज्ञानी महाशक्तिशाली माना जाता था। रावण स्वयं में एक महान व्यक्तित्व था। भले ही प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया हो, लेकिन कहा जाता है कि खुद रावण चाहते थे कि उनके कुल का उद्धार भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम करें। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही उन्होंने माता सीता का हरण किया था, श्री राम की सेना से युद्ध किया और एक एक कर अपने परिवार के सभी लोगों को राम जी से लड़ने के लिए भेजा और अंत में स्वयं श्री राम का सामना करते हुए मोक्ष की प्राप्ति की। रावण से जुड़ी कई कथाएं हैं, कई रहस्य हैं जो बहुत रोचक हैं। इस बार 24 अक्टूबर 2023 को दशहरा मनाया जा रहा है। दशहरा यानी विजयदशमी के दिन ही भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने रावण का वध किया था। रावण को दशानन भी कहा जाता है क्योंकि उसके 10 सिर हुआ करते थे। रावण देव नहीं थे और न दानव थे, तो एक मनुष्य के 10 सिर कैसे हो सकते हैं। विजयदशमी के मौके पर आइए जानते हैं दशानन कैसे बने और क्या रहा रावण के इस 10 सिरों का रहस्य। रावण के 10 सिर की चर्चा रामचरितमानस में आती है। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, रावण मायावी थे जो इस सिरों को भ्रम बनाते थे। हालांकि रामचरितमानस समेत कई ग्रंथों के मुताबिक रावण के 10 सिर 6 शास्त्रों और 4 वेदों के प्रतीक हैं, इसलिए उन्हें एक महान विद्वान और अपने समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बताया गया है। मान्यता है कि रावण 65 प्रकार के ज्ञान और हथियारों की सभी कलाओं में निपुण थे। इसके अलावा रावण के 10 सिरों को इस बुराई का प्रतीक भी माना जाता है। लंकापति रावण भगवान शिव जी के परम भक्त थे। मान्यता है कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की, लेकिन उनकी कठोर तपस्या के बाद भी भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए और रावण को दर्शन नहीं दिए। इस पर रावण ने अपना सिर काट कर शिव जी को अर्पण कर दिया, लेकिन उनका सिर फिर से जुड़ गया। उन्होंने फिर से अपना सिर काटा, लेकिन फिर से रावण का सिर जुड़ गया। एक एक कर रावण ने 10 बार अपना सिर धड़ से अलग कर दिया और सिर 10 बार जुड़ता चला गया। उनकी तपस्या को देखकर शिव जी प्रसन्न हो गए और रावण को वरदान दिया कि उनका वध तब तक नहीं हो सकता जब तक कोई नाभि पर प्रहार ना करे। इसके साथ ही शिवजी ने रावण के 10 सिरों का भी वरदान दिया। इस तरह रावण के 10 सिर हो गए और उनका नाम दशानन पड़ गया। लंका के राजा रावण के 10 सिर होने की कई अन्य कहानियां भी प्रचलित हैं। कहा जाता है कि रावण के 10 सिर नहीं थे, बल्कि 10 सिर होने का भ्रम पैदा किया जाता था। रावण के 10 सिर को बुराइयों का प्रतीक भी मानते हैं। 10 सिर का अर्थ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, घमंड, ईर्ष्या, मन, ज्ञान, चित्त और अहंकार। रावण को हम जला तो देते हैं उसके पुतले को, लेकिन हमें समझना चाहिए कि हम सबके अंदर एक रावण है, क्योंकि रावण कोई व्यक्ति, कोई भ्रम और कुछ ऐसी चीजें नहीं है। रावण हमारे अंदर की टेंडेंसीज हैं, हमारे अंदर की प्रवृत्तियां हैं, जिसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, घमंड, ईर्ष्या, मन, ज्ञान, चित्त और अहंकार से भी हम देख सकते हैं। तो हमें अपने अंदर के रावण को मारना है, बाहर के जला के और जश्न मना के हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए उन सभी लोगों के पास जो कि सिर्फ रावण को जलाकर और जश्न मनाना चाहते हैं। धन्यवाद।